बुनियादी जो ज़रूरत है समाज में लोगों का, गरीब गुरबा को, उस बात का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान रखते हैं। हम लोग मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने जो प्रदूषण, मतलब 15 साल पुरानी गाड़ियों से एक तो धुआं भी बहुत ज़्यादा ही होता है, उसके अलावा उसमें एक्सीडेंट दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको भी नियंत्रण होगा। इसी के लिए गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल पुरानी गाड़ियों को रोक लगाया गया, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अविनाश। जदयू कार्यालय में आज परिवहन विभाग से मंत्री शीला मंडल पहुंची और जिस तरीके से प्रदूषण और गाड़ी को लेकर उन्होंने बताया कि जो तीन पहिया जो जितने भी गाड़ी थी अब पटना में कम हो गई है, और ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली जो उनका प्रोजेक्ट है वो उनके लिए, उनको क्लाइमेट लीडर भी कहा जाता है, और नीतीश कुमार की इस प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग भी हमेशा सक्रिय हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि तीन पहिया जो वाहन है अब कम दिख रही है पटना में और प्रदूषण कैसे कम किया जाए इसको लेकर हमेशा हम लोग काम भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा के सवाल पे उन्होंने कहा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं उस पर हम लोग नोटिस नहीं लेते। सम्राट चौधरी का बात बार बार बीच में अब आ रहा है, उसको लेकर शीला मंडल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार की जनता नीतीश कुमार पर ही भरोसा करते हैं। और भी क्या कुछ कह रही है शीला मंडल, इस वीडियो को आप पूरा देखें। ऐसा ये है कि मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली मिशन, जो उनका जानते हैं कितना ड्रीम वर्क है, इसके लिए उनको क्लाइमेट लीडर भी कहा गया है और अन कंट्री भी प्रशंसा किया है इस बात के लिए। और अभी जो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए ही इस चीज़ को हम लोगों ने, जो प्रदूषण, मतलब 15 साल पुरानी गाड़ियों से एक तो धुआं भी बहुत ज़्यादा ही होता है, उसके अलावा उसमें एक्सीडेंट दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको भी नियंत्रण होगा। इसी के लिए गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल पुराने गाड़ियों को रोक लगाया गया, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और जो उस गाड़ी को, जो पुरानी गाड़ी है उसको ट्रांसफर, उसको मतलब कन्वर्ट कर, नया चीज़ के लिए 7.5 लाख रुपए की राशि भी हम लोग मदद किए ताकि लोगों को वो गाड़ी खरीदने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हम लोग इस बात का भी ध्यान में रख के 7.5 लाख की व्यवस्था कर दी है ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। पटना में लेकिन मैडम आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन, बहुत सारी गाड़ियां अभी भी हैं जो चल रही हैं लगातार? देखिए, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू कीजिए, आप पुराने ज़माने से लेकर, एंशिएंट से लेकर के वर्तमान तक भी देख लीजिए, तो कोई भी काम जब शुरुआत करते थे एटवंस आप किसी चीज़ को, आप नल को बंद करते हैं तो एक बार घुमाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो जाता है, तुरंत थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उस पर नियंत्रण होता है। आज देखिए पूरे पटना में बहुत नियंत्रण है, जो पुराने गाड़ियों था उसका तीन पहिया वाहन हो, हम लोगों ने उसको भी कन्वर्ट करने के लिए किसी के लिए 40-25-30 सीट का व्यवस्था राशि की किए, तो बहुत सारा बंद हो गया। आपको, हमको नहीं लग रहा है इक्का दुक्का बचा होगा, बाकी सब जगह वो तीन पहिया वाला बंद हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि 25 में सारे जदयू के कार्यकर्ता को हम अपने में मिला लेंगे। अब कौन क्या बोलता है इस पर हम ये नहीं कहेंगे, सबको अपना अपना बात रखने का आज़ादी है, आज़ाद देश है, और किसको क्या बोलता है उससे हम लोग को कभी कोई मतलब नहीं रहा है। आज पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद करता है और उन पर विश्वास करता है। हम लोग देखिए, बुनियादी जो ज़रूरत है समाज में लोगों का, गरीब गुरबा को, उस बात का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान रखते हैं। हम लोग मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। हमारे लिए आज तो बिहार की जनता जो इतने वर्षों से विश्वास कर रही है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कौन नहीं जानता कि किस तरह के उनका व्यक्तित्व है, सब लोग जानता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।